हेलो, नमस्कार सभी को। तो हमने जो पहला पार्ट पढ़ा था हरियाणा का नदी तंत्र भाग एक, उसके अंदर हमने जो शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली नदियां थी उनके बारे में पढ़ा, जो प्रमुख नदियां हैं हरियाणा की, बारहमासी नदी यमुना नदी के बारे में, फिर घग्गर नदी के बारे में हमने पढ़ा जो हरियाणा की सर्वप्रमुख मौसमी नदी है, घग्गर के बाद सरस्वती जो प्राचीन मतलब उसमें आर्यों के समय है ना सबसे महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी उसके बारे में हमने पढ़ा, फिर मारकंडा के बारे में पढ़ा, टांगरी के बारे में पढ़ा, चेटांग के बारे में, हरियाणा की सबसे छोटे नदी जो थापना नदी है उसके बारे में पढ़ा। इससे आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं हरियाणा का नदी तंत्र भाग दो, और आज पार्ट करेंगे हम दक्षिणी अपवातंत्र। तो उत्तरी अपवातंत्र वाले तो शिवालिक श्रेणी से, और दक्षिणी अपवातंत्र वाले जो नदियां हैं ना वो अरावली क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उनसे उनका उद्गम होगा। तो दक्षिणी अपवातंत्र की चार प्रमुख नदियां हैं साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहान। साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहान। सबसे पहले नदी है साहिबी नदी। तो साहिबी नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई? दृष्टवती। एसएससी द्वारा दो तीन पेपर में पूछा जा चुका है, सबसे पहले ये प्रश्न आया था हरियाणा ग्रुप डी के अंदर कि किस नदी का नाम दृष्टवती प्राचीन समय में था, तो किसका था भाई? साहिबी नदी का एसएससी ने आंसर दिया था। इसके बाद इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थान है भाई जीतगढ़ और मनोहरपुर। कौन सा स्थान है? जीतगढ़ और मनोहरपुर। इनके मध्य में बहरोड की पहाड़ियों से, बहरोड की पहाड़ियां इनको क्या बोल सकते हैं आप? मेवात की पहाड़ियों से इसका उद्गम है ना, वो मेवात की पहाड़ियों या बहरोड की पहाड़ियों से होता है, और ये जयपुर से 113 किलोमीटर दूर। यहां से निकलने के बाद ये हरियाणा की सीमा में, हरियाणा की सीमा में एक कोट कासिम नामक स्थान है रेवाड़ी जिले में, उसके पास एक गांव है अकोली गांव, इससे ये हरियाणा की सीमा में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। तो हरियाणा की सीमा में कोट कासिम रेवाड़ी के पास एक गांव है अकोली गांव, वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है। लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन ये कोट कासिम वाले पूछा गया कि साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, तो कोट कासिम रेवाड़ी से। वो ज्यादा मतलब डीपली पढ़े तो हम अकोली गांव से पढ़ सकते हैं। फिर इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इस नदी का बहाव क्षेत्र रेवाड़ी और गुड़गांव यानी गुरुग्राम जिले में, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले में इसी का बहाव क्षेत्र है, और ये रेवाड़ी जिले के अंदर इसको क्या कहते हैं? रेवाड़ी के लिए वरदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रेवाड़ी के लिए वरदान। क्यों? क्योंकि रेवाड़ी का जो जल स्तर है ना, भूमिगत जल स्तर, वो क्या है भाई? खारा है, तो पीने के पानी की जो समस्या है उसके निजात मिलती है इस नदी में पानी आने के बाद, इसलिए रेवाड़ी के लोगों के लिए क्या है? ये वरदान है यहाँ पे। फिर इसमें है ना जयपुर के बाईं ओर से एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? सोता नदी। ये जयपुर के बाईं ओर से इस नदी के अंदर मिल जाती है। इसके बाद इस नदी के ऊपर हरियाणा के अंदर कौन सा बांध बनाया गया है? मसानी बैराज। ये मसानी गांव के अंदर है और ये धारुएडा में पड़ता है। तो धारुएडा पहले एनएच 8 पे था, अभी एनएच 48 पे है। ये प्रमुख औद्योगिक नगर है रेवाड़ी का धारुएडा, जहां पे 100 सीसी की बाइक्स बनती हैं हीरो कंपनी की। फिर इस नदी का जो स्पष्ट मार्ग है, स्पष्ट मार्ग का मतलब ये सीधी कहां तक बहती है जाकर के? तो तीतरपुर मसानी ग्राम से थोड़ा सा आगे तक इसका क्या है भाई? स्पष्ट मार्ग है। वहां से आगे जाकर के क्या हो जाती है? संकरी हो जाती है यानी लुप्त हो जाती है। इसके बाद कुछ विद्वानों का इस नदी के ऊपर क्या मत है भाई? कि ये नदी है ना दिल्ली की एक नजफगढ़ झील है उसके अंदर मिल जाती है। किस झील में मिल जाती है? दिल्ली की नजफगढ़ झील में। ये कुछ विद्वानों का मत दिया गया है इस नदी के ऊपर। फिर इस नदी का जो कुल अपवाह क्षेत्र यानी कुल लंबाई इंपॉर्टेंट है भाई। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 198 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 198 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदी है ना वो कौन सी है भाई? इंदौरी नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी नदी है। हरियाणा की फिर दक्षिणी अपवातंत्र की जो दूसरी नदी है वो है इंदौरी नदी। कौन सी नदी है भाई? इंदौरी। पहले हमने पढ़ा साहिबी के बारे में। तो जो इंदौरी नदी है ना इसका जो उद्गम है वो होता है मेवात की पहाड़ियों से। कहां से होता है भाई उद्गम इसका? मेवात की पहाड़ियों से। छोटी नदी है भाई ये नदी। प्राचीन जो इंदौर किला है ना, इंदौरी किला या इंदौरी का किला है, उसके निकट से बहने के कारण जो इस नदी का नामकरण पड़ा ना वो पड़ा इंदौरी नदी। कैसे पड़ा भाई? प्राचीन इंदौरी किला ये मेवात के अंदर है, न्यू के अंदर इंदौरी किला, वहां से उसके निकट से बहने के कारण है ना इसे इंदौरी नदी कहा जाने लगा। फिर ये जो नदी है ना ये दो शाखाओं में बटकर, एक शाखा तो कहां से भाई? रेवाड़ी के पास से, और दूसरी जो शाखा है वो पटौदी, पटौदी गुरुग्राम। पटौदी कहां पड़ता है भाई? गुरुग्राम। आपने सुना हो पटौदी पैलेस कहां पे है? गुड़गांव के अंदर, जिसे व्हाइट पैलेस के नाम से भी जानते हैं। और यहां से है ना दूसरी शाखा ये किस नदी के अंदर मिल जाती है? साहिबी नदी के अंदर। तो इंदौरी है ना वो किसकी सहायक नदी है? साहिबी की सहायक नदी है। वह छोटी सी नदी है भाई बिल्कुल। और ये बहने का है ना ये भी गुड़गांव और दूसरा कहां पे? रेवाड़ी, इन्हीं दो जिलों के अंदर बहती है। अगली जो नदी है अपनी, जो तीसरी नदी है इंदौरी के बाद, कसावती या कृष्णावती नदी।
तो इस नदी का जो उद्गम है ना वो होता है जयपुर की पहाड़ियों से। कहां से होता है भाई उद्गम? जयपुर की पहाड़ियों से। फिर ये बदांती और दोस्तपुर दो गांव हैं, बदांती और दोस्तपुर गांव, इनके पास से नारनौल के, नारनौल के अंदर क्या कर जाती है ये प्रवेश, यानी हरियाणा में ये प्रवेश कहां से करती है? तो बदांती और दोस्तपुर गांव जो नारनौल के पास पड़ते हैं ना, वहां से हरियाणा की सीमा में क्या कर जाती है? प्रवेश। और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कहां कहां पे है? तो रेवाड़ी है, निमराना, कोसली, झज्जर और चुचकवास, इन स्थानों के ऊपर ये नदी बहती है। कौन कौन से भाई? रेवाड़ी, निमराना, कोसली, झज्जर और चुचकवास में ये बहती है। यहां से बहने के बाद ये बहरोड के नाले में क्या हो जाती है? गिर जाती है। ये भी बिल्कुल छोटी नदी है, बहरोड के नाले में क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो अगली जो अपनी नदी है ना भाई वो है दुहान नदी। तो दुहान नदी, इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? नीम के थाना क्षेत्र से। कहां से होता है भाई? नीम के थाना क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। फिर ये राजस्थान की सीमा में है ना, कितने किलोमीटर बह करके? 29 किलोमीटर बह करके हरियाणा के किस जिले में प्रवेश कर जाती है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर प्रवेश कर जाती है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है ना वो केवल महेंद्रगढ़ जिले में होता है। कहां होता है भाई? केवल महेंद्रगढ़ जिले में। और ये भी कैसे नदी है? मौसमी नदी है, वर्षा के टाइम ही इसके अंदर पानी आता है। इसके बाद इस नदी के ऊपर एक मान्यता और है भाई। कैसी मान्यता है? जो भर्गु ऋषि थे ना, उनकी पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से इस नदी का क्या हुआ था? उद्गम। ऐसा माना जाता है कि भर्गु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से इसका क्या हुआ था? उद्गम हुआ था। और ये इसीलिए इस नदी को क्या कहते हैं? प्राचीन महत्व की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन महत्व की नदी। और इसका कुल लंबाई कितनी है भाई? 50 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर। अपचेतर ये HSSC कलर्क 2019 इसमें पूछा गया प्रश्न है। HSSC कलर्क के अंदर 2019 में पूछा गया प्रश्न। तो ये हरियाणा की क्या थी भाई? प्रमुख नदियां। एक दो फैक्ट और है इसके अंदर, मैं आपको वो करवा देता हूं। तो ये उत्तरी और दक्षिणी अपतंत्र की नदियां थी। एक जो प्रश्न जो अभी हाल ही के पेपर में पूछा जा रहा है वो कौन सा है? टिपरा की पहाड़ियां। दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक तो टिपरा की पहाड़ियां, टिपरा की पहाड़ियां ये किस नदी के किनारे हैं? टिपरा की जो पहाड़ियां है ना वो किस नदी के किनारे हैं? तो किस नदी के किनारे हैं भाई? घग्गर नदी के। किस नदी के किनारे हैं टिपरा की पहाड़ियां? घग्गर नदी के। और दूसरे वाला फैक्ट बनता है, टिपरा वे मोरनी की पहाड़ियों को अलग, टिपरा और मोरनी की पहाड़ियों को ना अलग, इन दोनों को ना, इन दोनों श्रेणियों को अलग कौन सी नदी करती है? यानी इन दोनों के बीच में से कौन सी नदी बहती है? तभी तो क्या होंगे भाई, ये दोनों अलग होंगी, तो कौन सी नदी बहती है इन दोनों के मध्य में भी यार अलग करती है? तो घग्गर नदी। कौन सी नदी करती है भाई? घग्गर नदी। और हरियाणा की एकमात्र नदी जिसे प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था, करने का लक्ष्य, तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। लंबाई 291 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है भाई? 291 किलोमीटर। तो ये था हरियाणा की नदियों के बारे में। और कोशिश की है इन दोनों के अंदर है ना, मैंने लगभग सभी जो नदियों के क्वेश्चन है उन सभी को कवर करवाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।